ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया उदीरये नष्ट प्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवति उत्तमः श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। टेक्स्ट नंबर हम आज लेंगे टेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, 10। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण कैंटो 8 चैप्टर 23 और टेक्स्ट नंबर 8। द डेमिगॉड रिगेन द हेवन प्लैनेट्स। देवताओं की स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। टेक्स्ट नंबर श्लोक संख्या 8। चित्रम तवेहितम अहो अमित योगमाया लीला लीला विश्रिता भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समादृशो अविषमः स्वभावो भक्ता प्रियो यदसि कल्पतरो स्वभावः। चित्रं तवेहितं अहो अमित्तः योगमाया लीला विश्रिष्टः भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो अविषमः स्वभावो भक्ता प्रियो यद् असि कल्पतरो स्वभावः। चित्रं तवेहितं अहो अमित्तयोगमाया लीला विश्रिष्टः भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशः अविषमः स्वभावो भक्ता प्रियो यद् असि कल्पतरो स्वभावः। चित्रं तवेहितं अहो अमित्तयोगमाया लीला विश्रिष्टः भुवनस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशः अविषमः स्वभावः भक्ता प्रियो यद् असि कल्पतरो स्वभावः।
ट्रांसलेशन प्रपोर्ट अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। संस्कृत वर्ड बाय वर्ड श्लोक हरे कृष्ण। चित्रम अत्यंत अद्भुत तव इहंतम तुम्हारे सारे कार्यकलाप अहो अहो अमित असीम योग माया आपकी आध्यात्मिक शक्ति की लीला लीला द्वारा विसृष्ट भुवनस्य आपका जिन्होंने समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि की है विशारदस्य सभी प्रकार से पटु आपका सर्व आत्मना सर्वव्यापी भगवान का समदृश सबके प्रति समभाव रखने वाला अविषम बिना भेदभाव के स्वभाव यही आपका लक्षण है भक्ति प्रिया ऐसी परिस्थिति में आप भक्तों के अत्यंत अनुकूल बन जाते हैं या यह क्षमा कीजिए क्योंकि असी हो कल्पत्रो स्वभाव कल्प वृक्ष के गुण वाला हरे कृष्ण हरे अनुवाद ट्रांसलेशन। हे प्रभु आपकी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती है और अपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति माया द्वारा आपने सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतएव निश्चय ही आप सब पर सम्मान दृष्टि रखते हैं, तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं सम्मोहं सर्वभूतेषु नाम द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्तया मैत्रितेषु चापि अहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर समभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वे मेरा मित्र है, वे मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान निस्संदेह सभी जीवों पर समदर्शी है, किंतु भक्त जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में भगवान से सम्मान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतएव उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर समभाव रखती है, इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो और यदि उसे
कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो ये जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है वे ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वे इसकी परवाह नहीं करता और उसे नहीं पाता। मनुष्यों की दो कोटियां होती हैं, असुर तथा सुर। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान देता है, अतएव वे उनके आज्ञाकारी होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी उनकी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतएव भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वे समदर्शी हैं। कल्प वृक्ष की तरह भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है, किंतु जो शरण नहीं ग्रहण करता वे शरणागत से पृथक होता है। जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है उस पर भगवान कृपा करते हैं, चाहे वे असुर हो या देवता। तो यहां के लिए प्रहलाद महाराज का श्लोक समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। सुबह दो श्लोक भगवान बोलते हैं, पावन भगवान। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनाशलाकाय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदाभयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सातजरातं सनकणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं स्वावलोकितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सह गणललिता श्रीशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्तकांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदिगौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम प्रतिभाचालम अंगम लंगयते गिरिम यत्कृपापहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामे। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादि पश्चात्देशदायिने। प्रभुपाद की जय। ग्रंथा श्रीमद भागवत महापुराण की जय। श्री भीष्माष्टमी महोत्सव की जय। तो आज भीष्माष्टमी भी है, तो भीष्मदेव हम देखते हैं कि महाभारत में उनका इतिहास बहुत ही सम्मानित और बहुत ही पवित्र उनका चरित्र बताया गया है भीष्मदेव का, और बहुत ही परम शक्तिशाली थे। तो श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में महाजनों की 12 महाजनों के बारे में सुनने को विवरण मिलता है। स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रहल्लादो जनको भीष्मो बलेर्वयशाकिर्वयम्। प्रहलाद जनक महाराज और भीष्मो बलि और वयसाकि,
वैशाखी मतलब सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं। तो भीष्मदेव भी महाजनों में आते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और महाजन का मतलब होता है स्पिरिचुअल अथॉरिटी, जिसके पास धर्म को स्थापित करने की शक्ति हो, भगवान के द्वारा एम्पावर किया गया उसको महाजन कहते हैं। भगवान वो शक्तियों को प्रदान करते हैं। जैसे अभी बलि महाराज का प्रसंग चल रहा है, तो बलि महाराज ने पूरा सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को भी भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान ने उनको